तो गाइस आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं मिड बस्टा वाली सीरीज को, लेकिन ना उससे पहले थोड़ा क्रिकेट खेल लेते हैं। अब हम ऐसा तो जा नहीं सकते, हमको थोड़ा शरीफ बनना पड़ेगा। देखो इसने कैप पहनी है तो हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, और मुझे अपने आप पर यकीन नहीं होता मैंने इतनी विकेट्स लिए कि भाई मेरे पास गोल्डन बॉल है और मैंने इतने ज्यादा छक्के चौके मारे कि भाई मेरे पास सिल्वर बैट है। तो हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम शांति से बस क्रिकेट खेलने वाले हैं। और यहाँ पे स्टेडियम खचाखच भर चुका है। बिल्कुल सही कहा तूने, ओए यहाँ पे आज बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। बिल्कुल सही, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों कप्तान अपनी आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। टाइम आ चुका टॉस करने का। यहाँ पे जो है टॉस होने वाला है और हमें देखना है कि कौन जीतेगा और कौन चुनेगा बैटिंग। और बैटिंग की सब कुछ नहीं होती है, बॉलिंग भी होती है। हाँ, जिसको ढंग की बैटिंग नहीं आया उसको बॉलिंग अच्छी लगती है। यहाँ पे टॉस हो चुका, ये क्या मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी है, बहुत से भी बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल आ चुकी है। कप्तान ने अपना 2 रुपए के सिक्के को कुछ ज्यादा ही उछाल दिया और वो गुम हो चुका। सामने वाली टीम का कप्तान पागल हो चुका है। यहाँ पे कप्तान को फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, उन्हें बस अपने सिक्के से मतलब है। ओए मुझे तो लगता है कि आज मैच होगा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा, आज हमें दाल रोटी खा के काम चलाना पड़ेगा। ओए दाल रोटी तू खाइयो, मैं तो बिरयानी खाऊंगा। हमारी जेब में छोले भटूरे खाने के भी पैसे नहीं है। और यहाँ पे कप्तान बहुत ही ज्यादा उदास है, तो इस महान कप्तान ने उसको बैटिंग दे दी जिससे वो खुश हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। ओ मुझे तो कोई नहीं दिख रहा इधर। भाई साले तू चैनल बंद करवाएगा। गाइस सारे दर्शक बैठे हैं कोरोना के लिए, उनको थोड़ा हमने दूर दूर बिठाया, इतना दूर बिठाया कि वो अपने घर में ही बैठे हैं अभी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मैच ही देख रहे होंगे। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे पांव से पिच को बिल्कुल ही बराबर कर रहा है, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। बिल्कुल पांव से करेगा वो, क्योंकि दूसरा बैट देने के पैसे हमारे पास थे नहीं। भाई ये बाजू में किसको बिठा दिया, मुंह पे सड़े टैप मारो इसके। यहाँ पे गेंदबाज अपनी पहली गेंद डालने के लिए बिल्कुल तैयार। यहाँ पे गेंदबाज दौड़ते दौड़ता था और सीधी बॉल फेंक दी उसके मुंह पे, और यहाँ पे जो बल्लेबाज है उसके चारों खाने चित हो चुके हैं। तो मिथुन जी आप बताइए आगे क्या होगा। और मेरे को लगता है रोनाल्डो गोल मार ही देगा। पर रोनाल्डो कहाँ से बीच में आ गया। ओ मैं तो भूल गया था कि हम तो टेनिस के मैच के कमेंट्री कर रहे हैं। टेनिस कहाँ से भाई, इसको क्रिकेट बोलते हैं। अरे याद आ गया, ये वही वाली गेम है ना जिसके ऊपर पूरी पिक्चर बनी है और शाहरुख खान हीरो है। शाहरुख खान ने कब क्रिकेट के ऊपर पिक्चर बनाई। अरे वही वाली जिसमें वो लड़कियों को ट्रेन करता है और फिर उनको वर्ल्ड कप जितवाता है। लड़कियों को ट्रेनिंग कौन सी पिक्चर में, वो तो हॉकी वाली पिक्चर चक दे इंडिया में देता है। और बिल्कुल सही कहा तूने, लेकिन उसमें वो लोग हॉकी खेलते हैं। अरे तो ये लोग भी तो हॉकी खेल रहे हैं। ये लोग अभी हॉकी खेल रहे क्या। हाँ जी हॉकी तो खेल रहे, मेरे को तो हॉकी दिख रही है। देख कसम से बता रहा हूँ, अगर अब तूने तेरा मुँह खोला तेरे मुँह के अंदर बॉल डाल दूंगा मैं। और ऐसे कैसे, ये लोग जब भी मुस्का खाना देंगे वो तो अकेला खाएगा। खाना कहाँ से बीच में आया। अब मैं कबड्डी वाली मैच की कमेंट्री करूंगा जिसमें कोहली खेलता है। कोहली कब से कबड्डी खेलने लगा। अरे कबड्डी जिसमें धोनी भी खेलता था। देख भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे, तेरे साथ अगर मैं 2 मिनट और बैठा तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे तो अच्छा है ना, फिर तो तुम मेरे वाले हॉस्पिटल में आ जाएगा। तुम डॉक्टर हो। नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे घर वाले मेरे को पागल खाने छोड़ के आ गए। क्या बोला तूने। और मैं पागल खाने में रहता हूँ पता नहीं क्यों। रुक तो एक मिनट, ये बाजू में किसको बिठाया है। सर वो बजट कम होने की वजह से हमको पागल खानों में से आदमी को लेना पड़ा। तुम पागल हो। नहीं सर हम लोग पागल नहीं है, लेकिन आप जिसके साथ बैठे हैं 5 मिनट के अंदर आप पागल बनने वाले हैं। भाई ये क्या है। ओ मेरे भाई तू टेंशन मत ले। अच्छा वो हम लोग ट्रेन में बैठे प्लेन में नहीं, अभी स्टेशन आ जाएगा उधर से अपने रबड़ी खाएंगे। भाई प्लेन ट्रेन भाई क्या हो। इन भाई का मित है कि हम ड्रोन को यूज करके भाई मैप के बाहर जा सकते हैं, वहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं। अब देखो मित तो बहुत बढ़िया, तुम मैप के बाहर इजीली जा सकते हो, सारी चीजों को देख सकते हो, लेकिन वो पता ना चाहिए कि मैप का कौन सा कोना खुला हुआ है। अब अगर तुम सिंपली किसी एक जगह से जाओगे तो तुम नहीं जा पाओगे, तुमको मैप का पता होना चाहिए। यहाँ पे तुम देखो कि तुमने तुक्का मार दिया और तुक्का काम लग गया, मैं मैप के बाहर इजीली आ जाता हूँ। पर हाँ तुम नॉर्मल अगर सीधे से जाओगे तो तुम मैप के बाहर नहीं आ सकते, तुमको तुक्का मारना पड़ेगा हर मैप के अंदर। और एक बार अगर तुम बाहर आ गए फिर तुम जितनी भी ऊंचाई छूना चाहो तुम इजीली छू सकते हो। और फिर तुम लोग साफ साफ देख सकते हो क्वालिटी मोबाइल के जो एडिटर है, जो मतलब डेवलपर है, उन्होंने कैसे काम चोरी करी है। यहाँ पे पानी तक नहीं डाला इन लोगों ने और सिप के अंदर भाई एक सीट तक नहीं डाली इन लोगों ने। और सीट गलत बोल दिया मैंने, वो जो कैनन होते हैं वो सब होता ना जो मतलब एक फाइटिंग चिप के अंदर होता है, वो ऐसी चीज में कुछ भी नहीं डाली इन लोगों ने। इन लोगों ने बस ऐसे मतलब सिप का बाहर का एक बना दिया और ऐसे रख दिया, ना पानी डाला ना कुछ डाला। साफ साफ बोलो तो भाई तुम्हें यहाँ पे इनकी पूरी पूरी काम चोरी दिखेगी। और मैं चाहता हूँ कि भाई हम लोग शिप के अंदर बैठ सके, हम लोग शिप चला सके और हम लोग शिप टू शिप फाइट ले सके, और साथ ही साथ हम लोग जितने भी आइलैंड वगैरह होते हैं उनको हम लूट सके, हम लोग यहाँ पे टेजर मैप मार सके। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मोबाइल ही है। तो यहाँ पे इन भाई का मिथ बहुत अलग था और मैंने कुछ अलग ही कर दिया। तो देखते क्या हम एनिमी का कैप का जो हेलीकॉप्टर होता है उसको क्या कर सकते हैं। पर याद है तुम्हारे अंदर दिमाग होना चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं होगा तो तुम इजीली इसको नहीं मार सकोगे। मतलब टाइमिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी। और यहाँ पे देखो बच्चे को नोना दिया, बच्चे का टैप पे तो टूट गया। बच्चे का डायपर बदल दो, बच्चा रो रहा है उसका कैप पे तो टूट गया। बच्चे तो दूध पीना है, दूध पीना बच्चे तो। जी 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 बहुत बार छाली है, बहुत बार छाली, इसका डायपर बदलो, इसका डायपर बदलो। तो यहाँ पे इन भाई जो गलत होता है वो भाई गिरने का डैमेज बिल्कुल नहीं लेता है, तो गलत जंप नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से हम उसको गिरा सकते हैं।
तो यहाँ पे हम घिर चुके हैं, गलियात को डैमेज नहीं पड़ा, मतलब मिथ कंफर्म है। तो यहाँ पे इन भाई अमित के जो हाई होती है वो गलियात को नहीं मार सकती है। तो यहाँ पे मैंने गलियात मंगा लिया और अब मैं गलियात के अंदर बैठ जाऊंगा और अब मैं दूसरे मोबाइल से हाई फेंकूंगा। तो यहाँ पे मुझे खुद यकीन हो गया भाई, सच्ची में जो हाईवे वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पर अगर हम लॉजिकली बात करें तो ये एक रोबोट है और रोबोट को मधुमक्खियां कुछ कर नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो जो मिथ है वो कंफर्म है। यहाँ पे इन भाई का मिथ है कि अगर हम दो मोनोटो साथ में सैंडीगन के ऊपर डाल दो तो वहीं पे सैंडीगन खलास है। ओहो यू नो मेरे को लोगों को खलास खाने में बहुत मजा आता है, तो आओ सैंडीगन को खलास करते हैं। तो यहाँ पे सामने सैंडीगन है, मैं यहाँ पे एक मोनोटो फेंकूंगा फिर दूसरी फेंकूंगा, देखते भाई कितनी देर में मरती है। तो बहुत जल्दी खत्म हो गई, मतलब जो मिथ है वो कंफर्म है। तो यहाँ पे इन भाई का मिथ है कि हम किसी को भी मार सकते हैं अगर हम उनकी बॉडी के ऊपर गन को रिलोड करें। तो यहाँ तुम जैसा कि देख सकते हो, मैंने शूट किया और फिर इसके मुंह के ऊपर, मतलब इसकी पूरी बॉडी के ऊपर रिलोड किया, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने भाई पूरी गोली निकाल दी और उसके बाद इसके ऊपर रिलोड किया तो भी इसको कुछ नहीं हुआ। और ये मैंने एक नहीं बहुत बार किया लेकिन तब भी इसको कुछ नहीं हुआ, तो जो मिथ है वो बस्टर्ड है। अब यहाँ मैं ये सब से भाई कहना चाहता है कि अगर हम जो हमारा कैप पैकेज होता है उसको विटोल के नीचे बुलाए, कैप पैकेज जैसे ही विटोल को टच करेगा विटोल खत्म है। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसका सिंपल सा रीजन ये है, विटोल हमेशा भाई मैप के बाहर ही होता है, वो मैप के अंदर कभी नहीं आता। तो तुम मैप के बाहर तो मांगा नहीं सकते कैप पैकेज, मतलब विटोल की पोजीशन जानबूझ के ऐसी रखी है कि भाई उसके रास्ते में कोई चीज ना आए। और यही चीज सिपेन के अंदर भी हुई। अब अगर मैं किसी बड़े मैप के अंदर ट्राई करने जाऊंगा तो भाई वहां पर बहुत टाइम लग जाएगा विटोल को आता था, मतलब सिर्फ दो ही हाथ है भाई, मेरे 10 हाथ नहीं है, मम्मी का डायलॉग। तो यहाँ पे इन भाई का मित्र गलियात का जो मिली वेपन होता है, जो मुक्का होता है उसका, वो ब्लास्टिक शील्ड वालों को मार सकता है। तो यहाँ पे देखो, एक के पास है गलियात, एक के पास है ब्लास्टिक शील्ड। तो यहाँ पे हम गलियात से मुक्का मारेंगे ब्लास्टिक शील्ड वालों को, लेकिन उसका कुछ असर ही नहीं होगा। और ये कोई ग्लिच नहीं है, तुम ब्लास्टिक शील्ड से भाई इजिली बच सकते हो गलियात के मुक्के से। और वहीं पे अगर तुम ब्लास्टिक शील्ड की एबिलिटी यूज करोगे मिली अटैक की, तो भाई वो गलियात अगर ऐसे दिखने तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी गलियात की एचपी बहुत ज्यादा जाती है। पता नहीं भाई क्या है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का लॉजिक, एक बंदा मुक्का मार रहा है उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन एक बंदा बस धक्का मार रहा है उसका पूरा असर होगा। तो इन भाई का मित्र अगर हम टॉय सिस्टम के साथ दीवार वाला ग्लिच करेंगे तो हमें 2 एक्स्ट्रा रॉकेट मिलेंगे वॉर मशीन के अंदर। तो यहाँ पे भाई मैंने ले लिया वॉर मशीन और अब मैं करूंगा भाई टॉय सिस्टम वाला ग्लिच। तो मिथ को बराबर करने के बाद भी हमारी एमओ उतनी रही, मतलब जो मिथ है वो बस्टर्ड है। तो यहाँ पे इन भाई का मिथ है कि अगर हम एनालिटर से बंदे को मारेंगे लेकिन बंदे ने टॉय सिस्टम बिछा रखा तो मरेगा नहीं, उसको हिट मारकर आएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने अपने दूसरे अकाउंट से ट्रॉफी बिछा दी है और अब मैंने अपना एनालाइटर निकाल लिया है। अब मैं इसको मार के देखता हूँ क्या हमें हिट मार कर आता है या ये सीधा किल होता है। तो यहाँ पर साफ साफ देखा कि सीधा मर गया, मतलब जो मिथ है वो बस्टर्ड है। तो ये भाई कहता है अगर हमने टॉर्च को डिप्लॉय कर दिया तो जब हम उसको वापस उठाएंगे तो फिर डिप्लॉय होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ट्राई किया फास्ट हो गए पे, जो कि बिल्कुल ही इजीली हो गया, मतलब तुरंत ही उठ गई ट्रॉफी। और फिर जैसे नॉर्मल जो होता है वैसे ट्राई किया तब भी बिल्कुल ही इजीली हो गई, तुरंत ट्रॉफी उठ गई, मतलब तुम एक सेकंड के अंदर ही ट्रॉफी को इजीली उठा सकते हो। तो जो मिथ है वो बस्टर्ड है। तो यहाँ पे इन भाग में हम वोल्टेज गन से सैंडीगन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरे मोबाइल से जो सैंडीगन को बिछा दिया, अब मैं वोल्टेज गन, भाई मैं हर बार भूल क्यों जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज गन निकालता हूँ और देखता हूँ क्या ये ट्रॉफी सिस्टम को मार पाती है नहीं। तो यहाँ पे प्लेयर मर चुका है लेकिन सैंडीगन अभी भी बिल्कुल सेफ है। तो अब हम बिल्कुल क्लोज में मारते हैं जिससे इसको लगे दोनों मोबाइल के अकाउंट मर गए लेकिन सैंडीगन सेफ है। और ये भाई कहता हम शोकासी को पर बैठ के उसकी सवारी कर सकते हैं। भाई देख अगर क्वालिटी का डेवलपर ने तुझे ये सब करते हुए देख लिया तो वो ना तेरे को बैन कर देंगे और मैसेज आएगा पहले विकसित हो जाओ उसके बाद खेल लेना। और यहाँ पे इन दोनों भाई के में सेम है, वहां तक कि दोनों ने स्पेस भी सेम दिया है, स्पेलिंग भी सेम है, डॉट भी। मुद्दे पे आते हैं, ये लोग कहते हैं कि ड्रॉप के ऊपर ड्रॉप नहीं मंगा सकते, तो हम यहाँ पर अपना पहला ड्रॉप मंगा लेते हैं और अब देखते हैं क्या हम इसके ऊपर दूसरा ड्रॉप मंगा सकते हैं या नहीं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप नहीं मंगा सकते इसके ऊपर, मतलब जो मिथ है वो कंफर्म है। तो यहाँ पे इन भाई का मित्र की जो पेरिडियम मिसर होती है वो एनिमी के कैप पैकेज को नहीं पोड़ सकती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैप पैकेज मंगा लेते हैं। तो यहाँ पे कैप पैकेज आ चुका है, अब हम इसके ऊपर पेरिडियम मिसाइल मारेंगे। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि इसका बाल भी वहां का नहीं हुआ है, मतलब जो मिथ है वो कंफर्म है। तो यहाँ पे इन भाग का मिथ है जो कंटेनर होते हैं हार्ट पॉइंट वाले, उनके पीछे अगर हम ट्रांसफॉर्म शील्ड लगा दे तो वो ट्रांसफॉर्म शील्ड अंदर जो भी होगा उसको डैमेज देगी। तो अब मैं तो दूसरे मोबाइल से दूसरे अकाउंट में यहाँ बैठ चुका हूँ और अब हम कंटेनर के पीछे आके लगा देते हैं ट्रांसफॉर्म शील्ड। अब यहाँ पे लग नहीं रहा तो हमको थोड़ा पीछे की तरफ आके लगाना पड़ेगा। यहाँ पे शील्ड लग चुकी है और सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई ये अंदर डैमेज दे रही है, मतलब अंदर जो भी बंदा बैठा होगा ये उसको इजिली मार देगी, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज है। पूरा कंटेनर के अंदर आ गया
अटैक लगा देती है। मतलब कंटेनर के अंदर कोई भी हार्ट पॉइंट को ले ही ना पा, ऐसी वाली चीज है। बंदों को भाग जाना पड़ेगा जिससे तुम बंदों को बहुत ही इजीली मार दो। तो यहाँ पे ये भाई सकते सेंटीगन होती है कैप्चर कर सकती है हार्ट पॉइंट को। तो यहाँ पे ना सेंटीगन लगा दिए और इस बार मैंने उसको उधर की तरफ रखा है जिससे मर ना जाए उससे। अब यहाँ पे कि जैसे ही बंदा बाहर जाता है हार्ट पॉइंट खाली हो जाता है, मतलब सेंटीगन हार्ट पॉइंट का कैप्चर नहीं करती है। और जैसे आप इस बंदा जाता है तो हार्ट पॉइंट उनका हो जाता है, मतलब भाई हार्ट पॉइंट सिर्फ बंदों से कैप्चर होता है, ऐसी मशीनों से नहीं होता है। तो जो मिथ है वो बस्टर्ड है। अब यहाँ पे इन भाई का अगर हम गलाड को टेम्पस से मारते तो बहुत ही फनी लगता है। तो यहाँ पे निकाल दिया अपना टेम्पस, अब देखते क्या फनी है या नहीं। देखो तुम लोग बताओ कमेंट करना क्या फनी लगता है नहीं। मतलब मैं गलहत का दुख समझ सकता हूँ, क्या तुम लोग को पता उसको कितना दर्द हो रहा होगा जब उसको उसे करने लगते होंगे। रोबोट के अंदर शॉर्ट सर्किट होने का मतलब पता है क्या होता है? अगर इंसान का एग्जांपल है तो उसको हार्ट अटैक जब आता है उतना ही उसको दुखता है। तो मैं इसको मार ही देता हूँ, मतलब बेचारे ने कितना दर्द सहा यार। तो ये भाई कहता है अगर हमारे टीममेट की शोकासी के बीच में आ जाते तो वो चल रही होती तब तो वो हमें डैमेज देती है। तो देखो ये थी मेरी टीममेट ने छोड़ दी शोकासी और अब हम देख भाई चली गई पलट के। भाई जो इग्नोर मारा है ना इसने, मतलब जो पलटी है ना ये, तो हम वापस ट्राई करेंगे। इस भाई हमारे टांगों के बीच से गई लेकिन फिर भी इसने हमें कोई डैमेज दे दिया, मतलब जो मिथ है वो बस्टर्ड है। तो ये भाई कहते हैं अगर हमारे पास टॉवर स्टंप है तो हम अपने आप को किसी भी एक्सप्लोजन से मार नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले टॉवर स्टंप बिछा दी और अब हम ट्राई करते हैं प्रेडेटर मिसाइल को। तो यहाँ पे हो गया है बहुत बड़ा झोल, टॉवर स्टंप ने दे दिया हमको धोखा और हम गए मर। लेकिन फिर भी हम इसको एक और बार ट्राई करते हैं ग्रेनेड के साथ। तो जो मिथ है वो बस्टर्ड है। तो ये बात कहता है हम रश मैप की जो पाइपलाइन होती है वहां पे भागेंगे तो हमको धुंधला धुंधला दिखेगा। तो देखो यहाँ पे मैं भाग रहा हूँ, मुझे इतना को धुंधला दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर तुम कमेंट कर बता सकते हो क्या तुमको धुंधला दिखता है या नहीं। अब पूरा रेत वाला मैप है तो थोड़ी बहुत जो धूल होती है नीचे दिखते बहुत कम दिखती है। अब हो सकता है हाई ग्राफिक के अंदर बंदा खेलता होगा तो उसको ज्यादा दिखती होगी। तो यहाँ पे ये भाई साहब कहते हैं टांजोनी को इजीली रिस्टोर कर सकते हैं कैप पैकेज की मदद से। और यहाँ पे लॉजिक बार ढूंढना, क्योंकि सिंपल सी बात है कोई बंदा इतना पागल नहीं है तुम्हारे कैप पैकेज के नीचे अपनी ट्रांजोनी शील्ड लगाएगा। बट फिर भी अगर कोशिश करेगा अपनी टांजोनी को बर्बाद करने की तो भी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके नीचे वो लगा ही नहीं सकता है। तो जो मिथ है वो बस्टर्ड है। तो यहाँ पे इन भाई साहब का मिथ है अगर हम स्टिकी ग्रेनेड और थर्मल दोनों को एक साथ एक बंदे के ऊपर फेंकेंगे सेम टाइम के ऊपर तो बंदा नहीं मरेगा। तो यहाँ पे देख लो प्रैक्टिस वर्सेस बोट है, ये एक जगह स्टिकी ग्रेनेड एक जगह थर्मल, देखते बंदा मरता है या नहीं। तो यहाँ पे भाई एक ही हाथ से दो बार को इससे ज्यादा कंट्रोल करना बहुत ज्यादा हार्ड है, तो हम इसको स्किप ही कर देते हैं, नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा कहते हम स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकते टॉय स्टम को फेंक के। तो यहाँ पे देख लो क्या होता है। अभी मेरे टॉवर स्टंप काम नहीं करते है, क्या मुझे नहीं पता, तो मैं मिथ बस्टर्ड या कंफर्म बोलूंगा ही नहीं। अब यहाँ पे ये भाई का मिथ है कि अगर हम कार्गो बम के ऊपर स्मोक बम डाल देंगे तो कार्गो बम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये फेंका मैंने कार्गो बम और ठीक उसी के ऊपर फेंका मैंने स्मोक अपने दूसरे मोबाइल से, लेकिन जो कार्गो बम था वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, चलते रहा। तो जो मिथ है वो बस्टर्ड है। तो यहाँ पे इन भाई का मिथ कुछ ऐसा है। तो जो मिथ है वो बस्टर्ड है। तो यहाँ पे इन भाई का मिथ है अगर ब्लास्टिक सीड के साथ हमको खत्म हो जाए तो हम पास में आके बंदों को मार सकते हैं। वैसे कोई मिथ नहीं है, ये फैक्ट है, मतलब क्वालिटी वाले ने भाई पूरा फ्यूचर डाला था। सबसे पहले एमो खलास कर लेते हैं इसकी। अब हमें एमो खलास हो चुकी है और बंदा हमारे सामने है, क्या हम बंदे को मिली से मार पाते हैं नहीं। सच्ची में खाली एक धक्का मारा और मर गया बंदा। जिनको नहीं पता था उनके लिए, बाकी सबको पता ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे इन भाई का मिथ है कि जहाँ पे टिप मैन है वहाँ पे तुम स्मोक नहीं डाल सकते हो, स्मोक काम नहीं करेगा। तो सामने टिप मैन में सीधा डालने वाला उसको ऊपर स्मोक, तो मैंने सीधा उसको ऊपर फेंका और भाई स्मोक इजीली हो गया और मैं मर गया इजीली। मतलब टिप मैन जी काम कर दिया स्मोक के अंदर, भाई सारे मिथ बस्टर्ड है। तो यहाँ पे इन भाई का मिथ है कि हम स्टाइल चॉपर को वीटोल से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दूसरे बार के अंदर मंगवा लिया है स्टाइल चॉपर और हमारा जो वीटोल वो भी बिल्कुल रेडी है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि गेम तुमको एक साथ दो चीज आसमान में अलाउ नहीं करता। तुम्हें मैसेज आ जाएगा कि पहले से ही एक चीज आसमान में उड़ रही है तो उसको आराम से उड़ने दे, तुम थोड़ा सब्र करो। तो बात है वीटोल को स्टाइल चॉपर से मारने की, वो तो भाई सपने में ही देखेंगे हम। बट तुम आसमान के अंदर प्रेडेटर मिसाइल छोड़ सकते हो, वो अलाउ करता है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल तुमको। तो यहाँ पे ये बात कहता है ऊपर से कूदेंगे रस मैप के अंदर और ग्रेविटी स्पाइक का यूज करेंगे तो हमें घिरने का डैमेज नहीं होगा। देखो क्या हमें डैमेज होता है या नहीं।
हमें डैमेज नहीं हुआ, पर इतनी ऊपर से घिरने के बाद पूरी जमीन टूट गई, तो जमीन को पर रहम करो। और ये जमीन टूटी नहीं है, पहले से ही ऐसा है। तो यहाँ पे इन भाई का मित्र जो गलात का अंडा होता है सेंटी गन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सेंटी गन डिस्ट्रॉय होती है गलात के अंडे से। तो सच्ची बात हो तो भाई सेंटी गन लगी नहीं रही थी उस जगह पे, और जब वो अंडा घिरा तब लगी सीधी मौत। अब यहाँ पे इन भाई का मित्र का तुम यूएई को पेड मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब यहाँ देखो, जब स्टेल चॉपर डिस्ट्रॉय होगा तो यूएई कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ वही बात है, यूएई भी बड़ी चीज नहीं है, तो यूएई तुमको दिखता नहीं है। इनको स्पॉट करना हार्ड इसलिए क्योंकि ये भाई ब्लैक एंड व्हाइट में स्किन खुलती है। तो बेकार में अपनी वीडियो में वेस्ट करने से बढ़िया ये है कि FHJ का यूज करो। तो बस ये था आज के वीडियो के अंदर, होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और इसके पहले वाला मिडबस्टर का वीडियो 19 मिनट का था, और मैंने लास्ट में बोला था कि जिस जिसने भी लास्ट तक देखा प्लीज कमेंट जगह जाकर अबू लिख देना। और सच्ची बताऊं भाई, सारे बंदों ने इतना लिखा कि मेरा दिल जीत लिया, तो भाई बहुत ज्यादा थैंक्स। और कमेंट करके बताना आज जो हमने भाई स्टार्टिंग में जो किया तुमको पसंद आया या नहीं, मतलब क्या हमको मिडबस्टर वाली वीडियो के अंदर सीरियस मोड जाना चाहिए, ऐसी कॉमेडी भी करते रहनी चाहिए या नहीं। तो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करेंगे मिडबस्टर सीरीज। अगर तुम्हारे पास कोई यूनिक कमेंट हो तो जाके लिखो कमेंट के अंदर। देखो बहुत खराब लगेगा, उससे अच्छा हम कॉमेडी करते हैं, वही बेस्ट है, सीरियस मोड जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो बस ये था आज का वीडियो के अंदर। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर तुम्हारे पास कोई यूनिक मिडबस्टर है तो प्लीज कमेंट कर जाकर लिख देना। बाकी मैं मिलता तुम्हें अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।